हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक पल्स ऑक्सीमीटर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। ये मैंने एक्सल पहले लिया था, कोविड के टाइम पे लेना जरूरी पड़ गया था, तो बताएंगे इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा और कैसा इसको यूज़ करते हैं, कैसा इसको क्या क्या फ़ायदा है, कहाँ से लेना है, सब कुछ मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताएंगे। हम आइए इसको हम खोल कर देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना, कैसे खोलना, बंद करना। ये सब बॉक्स में आएंगे, इसको खोल के इसको ऑक्सीमीटर को हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये ऑक्सीमीटर है, ये दो पेंसिल बैटरी ट्रिपल ए का एवरईडी का साथ में मिला हमें इसके साथ में, और एक ये छोटा सा क्लिप दिया हुआ है हैंडल, इसको यहाँ पे साइड में इसको लगा के बांधने के लिए, जो खोन आ जाए इधर उधर रखने के लिए रखें। और ये ऑक्सीमीटर है, ये आईटेक कंपनी का है, बहुत अच्छा है, इसका यूज़ हम एक्सल से कर रहे हैं। तो इसको कैसा ओपनिंग होता है, कैसा यूज़ होता है, इसको मैं आपको दिखाते हैं। इसको यहाँ पे क्लिप सिस्टम है, यहाँ पे दबाने से इसको खुल जाता है ऐसा, और इसका अंदर कोई भी फिंगर अंदर पुश करना पड़ता है। मैं इसको बैटरी डाल के आपको मैं दिखाता हूँ। ये पीछे से इसको फिंगर है यहाँ पे, इसको तो प्रेस करके खींचने से ये खुल जाएगा। फिर इसको जो प्लस है, प्लस का साइड में ये लगाना है, और ये इधर जो प्लस है वो प्लस के साइड में लगाना है, प्लस के साइड में लगाना है। फिर इसको हम इसको क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया। फिर इसको ये इसका ऑन ऑफ नहीं है, ओनली ऑन है। ऑन करने से डिजिटल ऑक्सीमीटर नज़र आएगा, फिर इसको ऐसा आएगा। जो पहला वाला है ये ऑक्सीजन का लेवल, जो सेचुरेशन के ब्लड के अंदर है वो शो करेगा। राइट साइड में जो है उसमें पल्स मतलब हार्ट बीट क्या है वो शो करेगा। तो इसको यहाँ पे क्लिप में हम इसको दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये फिंगर को हम इसको पूरा एंड तक, इसमें एक लाइट जलता है, ये सेंसर है, इससे ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर कितना है वो पता लगेगा। ये फिंगर बिल्कुल लास्ट तक देके इसको स्लोली इसको हम छोड़ देंगे, तो अपना आप इसको फ्लक्चुएशन करके मतलब आधा मिनट एक मिनट का पहले ही ये रीडिंग अपना आप आ जाएगा इसके अंदर, आपको पता लग जाएगा। अभी ये कैलकुलेशन कर रहा है अपना ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, तो ये अभी आ जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, ये देखिए मेरा 98 ऑक्सीजन लेवल है और 87 हार्ट बीट है। तो एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल का वेरिएशन है वो 95 टू 100 का अंदर होना चाहिए। तो अगर 95 से कम आएगा तो डरने का जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये सब करके उसको फिर लेवल बढ़ जाता है। अगर कंटिन्यूसली अगर 94, 92, 90 तक आ जाता है तो डॉक्टर का बस जाना पड़ता है, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। और हार्ट बीटिंग 70 से 100 का अंदर जेन्युइन होता है, मतलब 100 ऊपर होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर बताएगा क्या है, और 70 का नीचे होने से ठीक नहीं होता है। तो फिर इसको हम इसको फिर प्रेस करके इसको फिंगर को निकाल लेंगे तो अपना पे ऑन ऑफ हो जाएगा, इसको बटन दबाने का जरूरत नहीं पड़ता इसको, और इसको आप अपना भी इसको रख दीजिए। तो ये अभी कोविड के टाइम में तो इसका बहुत ही जरूरी है, और कोई जगह में घूमने जाते हैं, कोई हिली एरिया में जाता है तो ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम होता है, किसी अस्थमा होता है, कुछ होता है, उसका लिए ये अपना जरूरी होता है। और ऑक्सीजन का ये ऑक्सीमीटर जो है ये हमेशा घर पर होना चाहिए, बीच बीच में चेक करना चाहिए। और कोविड के टाइम में तो इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको आदमी को रखना चाहिए। ये जो ना हमने जब लिया था इसको तो ये 450 करीब लिया था, अच्छा है इसको, एक साल तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डॉक्टर भाकू का है, वो आप ले सकते हैं, 700 करीब होगा। मार्केट में कोविड के टाइम पे इसका बहुत क्या स्थिति हुआ था, मार्केट में नहीं मिल रहा था, फार्मेसी में भी बहुत उल्टा सीधा रेट मांगता रहता है, तो इसलिए ऑनलाइन से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये आपको वहाँ से लेके ये रखना जरूरी है। ऑक्सीजन कोविड के टाइम में तो जरूरी है, और ऐसा भी इस रख के चेक करना चाहिए, कोई भी आदमी का ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से वो कभी छोड़ के भी हो सकता है, इसलिए बीच बीच में चेक करना चाहिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया कैसे यूज़ करना, क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब एंड शेयर।